जब मैं विलन बनता हूँ ना, तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। बेटे को हाथ लगाने से पहले, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। अगर आपने ये डायलॉग सुना है तो आपने शाहरुख खान की जवान मूवी तो जरूर देखी ली होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मूवी की शूटिंग कब, कहां और कैसे हुई थी? अगर नहीं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जवान मूवी के कुछ जबरदस्त बिहाइंड द सीन्स। लेकिन आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि इतनी शानदार मूवी की शूटिंग आखिरकार हुई कैसे थी। उससे पहले अगर आप भी किंग खान के फैन है तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस सीन की, जब शाहरुख खान अपनी टीम की 6 लड़कियों के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेते हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि इस सीन को शूट करने के लिए रियल मेट्रो का यूज किया गया था। वैसे हम आपको बता दें कि फिल्म में जिस मेट्रो को मुंबई मेट्रो दिखाया गया था, पर हम आपको बता दें कि ये कोई सचमुच की जेल नहीं थी, बल्कि ये जिंदा बंदा सॉन्ग के लिए तैयार किए गए सेट का ही एक पार्ट। अब आप देख ही सकते हैं कि कैसे यहाँ पर कैदी महिलाओं को, जो एक्चुअली में मॉडल है, उन्हें रेडी किया गया एकदम कैदियों की तरह। क्या सही है ना दोस्तों? अगर इस सीन की बात करें तो ये सीन उस टाइम का है जब आजाद को गुंडों से बचाने के लिए विक्रम राठौर यानी कि आजाद के फादर की एंट्री होती है। इस सीन को एक वर्कशॉप में शूट किया गया था। वैसे हम आपको बता दें कि ये कोई रियल वर्कशॉप नहीं है, बल्कि एक नवी मुंबई अंधेरी के यशराज स्टूडियो का एक पार्ट है। और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर इस फाइट सीन को शूट किया जा रहा है। दोस्तों जवान मूवी की बात हो और जिंदा बंदा गाने का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये फिल्म का वो गाना है जो मूवी रिलीज से 24 घंटे पहले ही रिलीज किया गया था। और यही नहीं, इसने 24 घंटे के अंदर ही रिव्यूज और व्यूज सबकी एकदम भरमार कर दी। आप इस सॉन्ग के बिहाइंड द सीन्स को देख ही सकते हैं कि कैसे एक्टर्स और मॉडल्स अपनी अपनी डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और इस सॉन्ग की शूटिंग के लिए एक बहुत बड़े आलिशान सेट को तैयार किया गया था, जिसे तैयार करने में गैस करो कितना खर्चा आया होगा? अरे यार 15 करोड़ का खर्चा आया था। वैसे हम आपको बता दें कि अब तक की किसी भी इंडियन सॉन्ग के लिए बनने वाला सबसे महंगा सेट है। इस सॉन्ग में शाहरुख खान सर के परफॉर्मेंस वाकई में देखने लायक है, और यही वजह है कि इन्हें बॉलीवुड का किंग खान कहा जाता है। इस सॉन्ग की एक और खास बात यह है कि इसको हिंदी और तमिल दोनों में अलग अलग शूट किया गया था, जिसके पीछे डायरेक्टर का मकसद दोनों ही भाषाओं में फील लाना था। आपको जवान मूवी का ये सीन तो याद ही होगा, जब हाईवे पर पैसे से भरे हुए ट्रक जाते हैं और एक ट्रक का पूरा पैसा हवा में उड़ने लगता है। हम आपको बता दें कि इस पूरे सीन को संभाजी नगर के विडिगन हाईवे पर शूट किया गया था। और आप देख ही सकते हैं कि कैसे कैमरामैन और बाकी के मेंबर्स खड़े होकर पूरी की पूरी शूटिंग को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। किंग खान की मूवी हो और रोमांटिक सीन ना हो, ये तो नाइंसाफी हो जाती है जनता के साथ, किंग खान के साथ नहीं। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रोमांटिक सॉन्ग ना हो। जवान मूवी का चलिया सॉन्ग भी कुछ ऐसा ही है। वैसे हम आपको बता दें कि इस सॉन्ग को मुंबई में शूट किया गया था, और आप अपनी स्क्रीन पर चल रही वीडियो में देख सकते हैं मुंबई के ग्रैंड होटल की प्राइम लोकेशन के सामने इस गाने को शूट किया जा रहा है। किंग खान की कोई फिल्म आए और उसमें ताबड़तोड़ और धमाकेदार फाइट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप इस वाले सीन को देख सकते हो, ये बिहाइंड द सीन तब का है जब मूवी में कुछ बाइक और स्कॉर्पियो कार को ब्लास्ट करके उड़ा दिया जाता है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस सीन को शूट करने के लिए किसी वीएफएक्स या ग्रीन पर्दे का यूज नहीं किया गया था, बल्कि यहाँ पर रियल स्कॉर्पियो कार और मोटर बाइक को ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया, खत्म और गया। तभी तो इस छोटे से सीन को क्रिएट करने के लिए बहुत सारी स्कॉर्पियो कार मंगाई गई थी। जब एसआरके की कोई मूवी आती है तो उनके हेयर स्टाइल से लेकर ड्रेसिंग सेंस को फैंस के बीच में काफी पसंद किया जाता है, और यही वजह है कि जवान मूवी में इनके चेहरे पर पट्टी बंधी हुई लुक को ऑडियंस में खूब पसंद किया गया था। और इनके कुछ फैंस ने तो इन्हें फॉलो करते हुए अपने ही डिजाइन पे ये सीन उस टाइम का है जब एसआरके को मेट्रो में दिखाया जाता है। इसे पुणे के मेट्रो स्टेशन पर शूट किया गया था, जिसके बिहाइंड द सीन्स आप वीडियो में आप अपनी स्क्रीन पर साफ देख ही सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के अगले सीन की। ये सीन उस टाइम का है जब शाहरुख खान की एक ताबड़तोड़ स्टंट परफॉर्मेंस होती है, जिसके लिए शाहरुख खान सर को रस्सी से बांध दिया गया था। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सीन को शूट करने के लिए ब्लू स्क्रीन के आसपास बड़े बड़े मैट्रेसेस को बिछाया गया, ताकि एक्टर्स को किसी भी तरीके की इंजरी ना हो। आप देख सकते हैं कि इस सीन को कितने सेफ्टी के साथ में शूट किया गया था। तो दोस्तों ये भी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी जवान मूवी? अगर आपने देखी है तो जरा बताइए कि आप इसे 10 में से कितने स्टार्स दें। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।